औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैं पहले भी एक छोटी सी वीडियो में आप सबको बता चुका हूं कि मेरा सोशल मीडिया यानी कि मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा फेसबुक पेज, मेरा फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर, सब चीज़ें जो थी ये ईद उल फितर वाले दिन 2023 को हैक हो चुकी हैं और मुझे इन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई दस्तरस हासिल नहीं है। मेरे कंट्रोल में कोई भी चीज़ नहीं है। मेरे तमाम जो वीडियोस थे यूट्यूब पे वो अभी मंजरे आम पे नहीं है, वो डिलीट कर दिए गए हैं। और उस चैनल पे मेरे आलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे जो बिल्कुल भी अब वहाँ से ख़त्म कर दिए गए हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। और मेरे जो फेसबुक था उसके ऊपर भी जो था वो उसको ख़त्म तो नहीं किया गया था, लेकिन वहाँ कोई ना अपलोड थी क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। इस मामले में मेरे बहुत सारे दोस्तों ने आज तक मेरे साथ काफ़ी हेल्प की, मुझे बहुत ज़्यादा बैकअप किया। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सारे इस मामले में मेरी मुशावरत करते रहे, मुझे टिप्स देते रहे। हम लोग काफ़ी कोशिश करते रहे लेकिन अनटिल नाउ मैं उसे रिकवर नहीं कर पाया। लेकिन मैं अपने तमाम दोस्तों का जिन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प की, मेरे साथ मुझे बैकअप किया, मैं उन सब का बहुत मशकूर हूँ और उन्होंने मेरा साथ दिया। अब बात यह है कि जो मेरा फेसबुक अकाउंट था उसके ऊपर एक वीक से इस तरह का मामला हो रहा है कि उसके ऊपर बहुत गलत सारी वीडियोस जो हैं ऐड की जा रही हैं। उन वीडियोस के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि मुझे एक्सेस हासिल नहीं है, मुझे इस अकाउंट पे फेसबुक पेज पे कोई दस्तरस हासिल नहीं है। मैं ना उसके अंदर इन हो सकता हूँ, मेरे पास ना उसका पासवर्ड है, कोई चीज़ भी मेरे पास नहीं है। अब वो अभी तक कंटिन्यूसली डेली उसके ऊपर वो चंद जो है वीडियोज़ गलत किस्म की ऐड कर रहा है, जो भी ये कर रहा है। और इस चीज़ का मुझे खासा नुकसान हुआ, मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो गया, मेरी 250 कलाम जो थे वो सारे अब इस वक्त डार्क हैं, वो मंजर आम पे नहीं हैं। और मेरी इस कदर ज़्यादा मेहनत जो मैंने बहुत सालों में की वो सारी की सारी इस वक्त डिमोलिश कर दी गई है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि फिल वक्त आप जो वो जो चैनल है जहाँ वो गलत सारी वीडियोज़ अपलोड कर रहा है, जो भी है, आप उसे अनफॉलो कर दीजिए और ताकि वो चीज़ें आपके मंजर से हट जाएं, उनको उस चैनल को अनफॉलो कर दीजिए। और ये जो चैनल जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे इस न्यू चैनल पे फेसबुक पेज पे आ जाइए, और ये यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड कर दी है और अपने फेसबुक प्रोफाइल पे भी कर दी है न्यू वाले पे, आप इसे फॉलो कर लीजिए ताकि हम आपस में इंटरकनेक्टेड रहें और जो वो प्रीवियस वाला है उसे ख़त्म कर दीजिए। एक दफ़ा मैं फिर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ये चीज़ें जो हैं वो रिकवर कर दे, और दुआ है कि अल्लाह पाक उस शख्स को, उस बंदे को हदायत दे जिसने ये मामलात किए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और ये एक बड़ी इखलाक से गिरी हुई हरकत है, और बल्कि क्या हरकत है, ये बहुत ही घटिया हरकत है जिसने भी की है, लेकिन मुझे इल्म नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता ये किसने हरकत की है। बहरहाल मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उसे हदायत दे। और वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस चैनल को, उस फेसबुक पेज को आप अनफॉलो कर दीजिए और इस पे आप आ जाइए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।